वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th. सो नाउ वी विल डिस्कस, आज हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1.1. अगर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर वन, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन हमें क्या कह रहा है और उसको हम सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर वन इज दैट इज जीरो अ रैशनल नंबर. Can you write it in the form of p by q, where q is not equal to 0 and pq belongs to integer. तो guys यहाँ पर हमसे सीधे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि what, क्या ये 0 जो है रेशनल नंबर है. तो guys ये पहले ही लेक्चर में मैंने बता रखा है आप लोगों को कि 0 एक रेशनल नंबर होता है. yes 0 is a rational number. And क्या 0 को हम p by q के फॉर्म में रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं हम लोग, बिकॉज 0 अगर रेशनल नंबर है तो उसे p by q के फॉर्म में रख सकते हैं. तो गाइज जैसे ये 0 रखा है तो अब इसका डिनोमिनेटर कितना होगा? तो व्हाट विल बी द डिनोमिनेटर? तो डिनोमिनेटर इसका हम कुछ भी रख सकते हैं. डिनोमिनेटर 1 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, या 5 रख दें, या फिर हम 0 डिवाइडेड बाई x रख दें, समथिंग वैल्यू इसकी कुछ भी रख दें. गाइज इन सब की वैल्यू सेम होगी और ये इक्वल टू होगा 0. तो गाइज होप यू आर अंडरस्टूड, 0 इज अ रेशनल नंबर और 0 एक रेशनल नंबर है और उसका डिनोमिनेटर क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी. गाइज आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हमसे यहाँ बोला जा रहा है फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. 3 और 4 दो नंबर हैं, बेसिकली ये रेशनल नंबर है. इसे 3/1 लिख सकते हैं, इसे 4/1 लिख सकते हैं. तो 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. तो गाइज अगर हम लोग बात करें 3 और 4 के बीच में तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन अब हमसे जितने रेशनल नंबर बोले जा रहे हैं उतने रेशनल नंबर हम लोग फाइंड आउट करेंगे और उसे राइट करेंगे. तो आइए चलिए देखते हैं कैसे हम लोग रेशनल नंबर को, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले ये नंबर को हमने लिखा, दो नंबर्स जिनके बीच में रेशनल नंबर, तो स्मॉल नंबर को पहले लिखा है और लार्ज नंबर को बाद में लिखा है. 3/1 इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है. तो गाइज यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ध्यान देनी ये होती है कि डिनोमिनेटर, पहला काम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे. इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आया कि दो रेशनल नंबर दिया है और हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर, 20 रेशनल नंबर, 50 रेशनल नंबर, 70 रेशनल नंबर और 2 रेशनल नंबर. तो इन सारे केसेस में फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल. उनके डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे. लेकिन गाइज यहाँ पर डिनोमिनेटर हमें इक्वल दिया हुआ है, सो इट्स वेरी ईजी क्वेश्चन. यहाँ देखिए इसका भी डिनोमिनेटर 1 है, इसका भी डिनोमिनेटर 1 है. अब अगला स्टेप क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंस लेना है. तो न्यूमरेटर का डिफरेंस अगर देख लें हम लोग, न्यूमरेटर का डिफरेंस तो ये देखो 4 में से 3 जा रहे हैं तो आ रहा है 1. इसका मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंस 1 आया तो मतलब इसका ये है कि अभी इसके बीच में इस डिनोमिनेटर जो 1 डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर पे 0 रेशनल नंबर है. इनके बीच में कोई भी रेशनल नंबर नहीं है, मतलब इनके बीच में कोई भी ऐसी रेशनल नंबर नहीं है जिसका डिनोमिनेटर 1 हो. वैसे तो यहाँ पर इनफाइनाइट है, लेकिन 0 लेकिन 1 डिनोमिनेटर पर यहाँ कोई भी रेशनल नंबर नहीं है. तो डिनोमिनेटर को इनक्रीज़ करना पड़ेगा और इनके बीच के डिफरेंस को भी इनक्रीज़ करना पड़ेगा. तो इनके बीच का डिफरेंस इनक्रीज़ करने के लिए अब इस डिफरेंस में हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई रिजल्टेंट, इसमें इतने नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि रिक्वायर्ड नंबर से ज़्यादा हो जाए. तो गाइज अगर इस 1 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, 5 से करेंगे तो 5 आएगा, 6 से करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन हमें 6 से ज़्यादा चाहिए. 6 से एक ज़्यादा होगा तभी तो, जैसे इनके बीच में अगर डिफरेंस 7 है तो इसका मतलब इसमें 6 रेशनल नंबर है. अगर इनके बीच में, इन न्यूमरेटर के बीच में डिफरेंस, ये डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर है, तो डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर अगर 8 है तो इसका मतलब अभी इनके बीच में 7 रेशनल नंबर है. तो गाइज हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए, 6. तो हम यहाँ पर एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से, 7 से.
तो गाइज यहाँ से ये बात आई कि हमने 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया। बेसिकली हमें डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है सच दैट कि रिक्वायर्ड नंबर से ज़्यादा आ जाए, रिक्वायर्ड नंबर से या रिक्वायर्ड नंबर से एक ज़्यादा आ जाए एटलीस्ट, बिकॉज क्योंकि रिक्वायर्ड डिफरेंस जितना भी होगा उससे एक कम रैशनल नंबर होते हैं। तो गाइज इसलिए यहाँ हमने 7 से मल्टीप्लाई किया ताकि यहाँ पर न्यूमरेटर का डिफरेंस कितना आ जाए, 7 आ जाए, और इसका मतलब इसमें 6 रैशनल नंबर हो। सो यहाँ पर अभी 3/1 एंड 4/1 इसमें हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बिकम 21 एंड दिस विल बिकम 7, 21/7 एंड दिस विल बिकम 28/7। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं 21 एंड 28 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 7 का है, जो कि हमारा प्री प्लान्ड था, हमने यही करा ही था। तो अब गाइज इनके बीच में 7 डिनोमिनेटर पर 6 रैशनल नंबर हमें मिल चुके हैं, जिसका डिनोमिनेटर 7 है ऐसे 6 रैशनल नंबर हमें मिल गए हैं। तो 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 आर, तो 21/7 तो ये खुद 3/1 ही है, तो इसके बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो दिस इज द आंसर, 6 रैशनल नंबर बिटवीन दिस। ओके गाइज, होप यू आर अंडरस्टूड। ओके गाइज, अगर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे बोला जा रहा है फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ दो नंबर जो दिए हुए हैं, एक तो है 3/5 और दूसरा है कितना, 4/5। तो 3/5, 4/5 गाइज यहाँ पर डिनोमिनेटर हमें सेम करने की ज़रूरत है, नहीं ऑलरेडी सेम है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर इज सेम हेयर, लेकिन न्यूमरेटर का डिफरेंस देखें तो न्यूमरेटर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 में से 4 कर रहे 1 आ रहा है, तो यहाँ भी 1 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सच दैट इस 5 से ज़्यादा हो जाए, तो अब 1 में मल्टीप्लाई करना है तो 5 से ज़्यादा तभी आएगा जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे भी गाइज हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ। तो दिस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 6/6, तो यहाँ पर आ गया 18/30, और यहाँ जब मल्टीप्लाई किया 4/6 = 24/5/6 = 30। तो गाइज यहाँ 18 और 24 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6। और अभी मैंने बता रखा है कि न्यूमरेटर का डिफरेंस अगर 6 आ रहा है तो इसका मतलब इस डिनोमिनेटर पर यहाँ पर कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं इनके बीच में। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन एग्जैक्टली सेम डिनोमिनेटर पर कितने नंबर हैं, 5 है जितना न्यूमरेटर का डिफरेंस है। तो गाइज यहाँ पर अब 5 रैशनल नंबर हम लोग यहाँ लिख देते हैं, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर 18/30, दिस इज 3/5, तो अगेन 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, अगेन 24/30 जो कि 4/5 है। तो होप यू आर अंडरस्टूड कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पर। गाइज यहाँ पर कोई भी रैशनल नंबर हमें दे दिया जाए तो उसके बीच में रैशनल नंबर कितने भी नंबर निकालना हो इस मेथड को फॉलो करते हुए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए कुछ और एग्जांपल्स इस पर स्टडी करते हैं। लाइक एक एग्जांपल क्वेश्चन मैंने कंसिडर किया है, बोला जा रहा है फाइंड 10 रैशनल नंबर, हाउ मच रैशनल नंबर, 10 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो यहाँ पर नंबर क्या है, 1/3 एंड 1/2। तो गाइज अभी मैंने सबसे पहले बेसिक बताया था कि यहाँ पे स्टेप्स कैसे फॉलो करना है, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना है। तो स्टेप्स हमें पहला ये फॉलो करना है कि इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। गाइज जब भी हमें ज़्यादा रैशनल नंबर निकालने होते हैं तो इस मेथड को फॉलो करेंगे, और अगर हमें 1-2 रैशनल नंबर या 3 रैशनल नंबर निकालना है तो उसके लिए एक अनदर मेथड है, उसको मैं यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इनके बीच में 10 रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है। तो गाइज 10 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए पहला स्टेप हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमें डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है। तो डिनोमिनेटर इक्वल कैसे बनेगा, कंपैरिजन में हम लोग समझते हैं कि इनका एलसीएम लेकर इनका इक्वल डिनोमिनेटर कितना होगा, 6। तो इसको इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाए एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा कितना, 6, और दिस 6 विल बी द इक्वल डिनोमिनेटर। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज 6
ये 6 कैसे हुआ होगा, 2 से मल्टीप्लाई होने पर, तो इसका मतलब ये 2/6 हो गया, ऐसे ये हो गया 3/6। तो गाइज होप यू आर अंडरस्टूड कि डिनोमिनेटर हमने यहाँ पर इक्वल कर दिया, डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया है। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंस लेते हैं, तो 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आ जा रहा है 1। तो इट मीन्स यहाँ पर अभी कितने रेशनल नंबर हैं, इस 6 डिनोमिनेटर पर, जब डिनोमिनेटर 6 है तो कितने रेशनल नंबर हैं यहाँ पर, तो यहाँ 0 रेशनल नंबर है, क्योंकि न्यूमरेटर का डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 न्यूमरेटर आने का मतलब है कि उससे एक कम जो है होगा इनके बीच में रेशनल नंबर। तो वैसे तो इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, लेकिन इस 6 डिनोमिनेटर पर कितने हैं, 0, बिकॉज 6 डिनोमिनेटर पर तो ये 2/6 हुआ और ये 3/6 हुआ, तो अब इसके बीच में कोई नंबर ही नहीं आ रहा। तो गाइज इसके लिए अब क्या करेंगे, हमें 10 निकालना है, तो इसका मतलब हमें 11 से मल्टीप्लाई करना होगा इस वन में हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए ये हो जाएगा 2 × 11/6 × 11 एंड ये हुआ 3 × 11/6 × 11, तो यहाँ ये हो गया 22/66 एंड यहाँ ये हो गया 33/66। तो गाइज यहाँ पर अगर देखें तो डिफरेंस कितने का हो जा रहा है, तो 22 − 33 तो आ जा रहा है 11 का डिफरेंस, इनके बीच में 11 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब अब इनके बीच में 10 रेशनल नंबर है। तो उन रेशनल नंबर्स को लिखने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 10 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 and 1/2 आर। तो गाइस यहाँ पर पहला रेशनल नंबर होगा 23/66, 24/66, 25/66 एंड सो ऑन, और यहाँ पे लास्ट वन हो जाएगा 32/66 आंसर। तो इस तरीके से 10 रेशनल नंबर इसमें फाइंड करेंगे। तो गाइस स्टेप्स मैं बता दूँ तो पहले हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, न्यूमरेटर का डिफरेंस लेना है, न्यूमरेटर का डिफरेंस ही हमें बताएगा कि कितने रेशनल नंबर अभी प्रेजेंट टाइम में हैं, और उसी डिफरेंस को हम इंक्रीज करके अपने रिक्वायर्ड रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। लाइक अगर न्यूमरेटर का डिफरेंस आ गया 2, तो अब न्यूमरेटर के डिफरेंस में उस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि सच दैट हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल जाए। अगर सपोज़ यहाँ न्यूमरेटर का डिफरेंस 6 आ गया होता और हमें चाहिए कितने, 10 रेशनल नंबर, तो इसका मतलब अगर इस न्यूमरेटर के डिफरेंस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाता कितना, 6 × 2 = 12, तो 12 हो गया, मतलब ऑलरेडी अब 11 नंबर आ गए, 12 डिफरेंस आने का मतलब है 11 रेशनल नंबर। सो गाइज इस तरीके से हम लोग फॉलो करेंगे। ओके होप यू आर अंडरस्टूड कि क्या बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो आइए चलिए इसके बाद सेकेंड मेथड जो रेशनल नंबर फाइंड करने का है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है फाइंड द 3 रेशनल नंबर, हाउ मच 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 and 1/2। गाइज मैंने नंबर बिल्कुल सेम रखा है। तो गाइज अगर ये भी बता दें स्टूडेंट्स, अगर हम ये बता दें कि इनके बीच में कितने रेशनल नंबर हैं, तो रेशनल नंबर इनफाइनाइट हैं। अब कौन से रेशनल नंबर हम लिखना चाह रहे हैं ये डिपेंड करता है और कैसे हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो जनरली जब 2-3 से ज़्यादा होते हैं तो हम लोग इस मेथड को फॉलो करते हैं, 3 रेशनल नंबर से मोर देन 3 रेशनल नंबर के लिए इस मेथड को फॉलो करते हैं, और 3 या उससे कम रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो इस मेथड को फॉलो करते हैं। तो गाइज अभी यहाँ पर ये 1/3 और ये दूसरा नंबर है कौन सा, 1/2, तो 1/3 और 1/2 के एग्जैक्टली बीच में नंबर जो होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, ये फर्स्ट रेशनल नंबर इसके बीच में, तो ये फर्स्ट रेशनल नंबर के लिए इन दोनों नंबर को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। इन दो नंबर को हमने ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, इनका एलसीएम हो गया 6, तो फाइनली ये हो गया 3 + 2, एलसीएम लेके हमने ऐड किया तो ये हो गया 5/12, तो इसका मतलब इनके बीच में फर्स्ट रेशनल नंबर जो आ रहा है 5/12। आगे बात करेंगे इनके बीच में सेकेंड रेशनल नंबर, तो अब इन दोनों के बीच में यहाँ सेकेंड रेशनल नंबर प्रोसेस सेम होगा, इन दोनों नंबर को
तो सेकेंड रेशनल नंबर के लिए, सेकेंड रेशनल नंबर के लिए 1/2 और यहाँ पर 1/3 प्लस ये हुआ 5/12, इनको हम आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ अब देखेंगे ये 1/2 हुआ और इनटू इसका हो गया 12 एलसीएम हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ ये 5 ही रहेगा। तो फाइनली ये हो गया कितना, 1/2 इनटू ये हो गया 9/12। तो ये 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 3 4 12, तो फाइनली ये हो गया 3/8। तो सेकेंड रेशनल नंबर आ गया कितना, 3/8। ऐसे ही थर्ड रेशनल नंबर यहाँ इन दोनों नंबर के बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगा और वो थर्ड रेशनल नंबर को यहाँ से फाइंड करेंगे। वो थर्ड रेशनल नंबर के लिए मैं यहाँ पर करता हूँ, तो थर्ड रेशनल नंबर अभी भी हम लोग क्या करेंगे, 1/2 सम ऑफ 5/12 प्लस 1/2, जो लास्ट के दो नंबर, मतलब जिन दो नंबर के बीच का नंबर निकालना है, यहाँ एग्जैक्टली मिडिल के नंबर निकाल रहे हैं हम लोग, तो जिन दो नंबर के बीच का नंबर निकालना है उन दोनों को ऐड करना है सिंपली और उसे 2 से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे हमने किया ये 5/12 में 1/2, क्योंकि हम 5/12 और 1/2 के बीच में थर्ड रेशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं। तो गाइज इसके लिए ये हो गया 1/2 और यहाँ पर ये हो गया 12, इनका एलसीएम हो गया, यहाँ तो 5 ही रहेगा प्लस यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 एंड 6 1 6, तो फाइनली ये हो गया कितना, 1/2 और ये हो गया 11/12, तो फाइनली ये हो जाएगा 11/24। तो गाइज यहाँ पर तीन रेशनल नंबर, एक तो हो गया 3/8, दूसरा हो गया 5/12 और तीसरा हो गया 11/24। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर थ्री रेशनल नंबर हम लोगों ने फाइंड किया। तो गाइज ये मिड पॉइंट मेथड होता है और ये जो है ये जब बहुत ज़्यादा रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं, मेनली थ्री से ज़्यादा, मोर देन थ्री रेशनल नंबर फाइंड करने हो तो ये मेथड लगाएंगे। और इससे पहले जो दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वो इसी मेथड से था, जिसमें हम लोग पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंस लेते हैं और ये गिस करते हैं कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर प्रेजेंट डिनोमिनेटर या फिर अवेलेबल डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में इतने नंबर एग्जिस्ट कर जाएं। वैसे तो बहुत सारे नंबर इनफाइनाइट नंबर होते हैं। सो होप यू आर अंडरस्टूड कि किस तरीके से दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड किया जा सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।